फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अ कपल ऑफ का क्या इस्तेमाल है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब अ कपल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ हम कहते हैं, दो चार लड़के, दो चार दोस्त, दो चार किताबें, मेरे पास दो चार किताबें हैं, उसके पास दो चार दोस्त हैं, मैंने दो चार रोटियां खाया। तो फ्रेंड, जब आपको कहना हो दो चार, तो इस सेंस में आप अ कपल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। वह दो चार मिनट सोची, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, शी थॉट अ कपल ऑफ मिनट्स। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि दो चार मिनट के लिए मैंने लिखा अ कपल ऑफ मिनट्स। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो दो चार दिन, आप कहेंगे अ कपल ऑफ डेज, दो चार लड़के अ कपल ऑफ बॉयज, दो चार कुर्सियां अ कपल ऑफ चेयर्स, दो चार लोग अ कपल ऑफ पीपल, दो चार दोस्त अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास दो चार सफेद शर्ट है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ कपल ऑफ व्हाइट शर्ट। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि दो चार के लिए मैंने इस्तेमाल किया अ कपल ऑफ, क्योंकि अ कपल ऑफ का मतलब होता है दो चार या चार पांच। उसके पास दो चार दोस्त हैं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अ कपल ऑफ मींस दो चार। आखिरकार मैं दो चार रोटियां खाया, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फाइनली आई एट अ कपल ऑफ ब्रेड। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं गलती से आप ब्रेड की जगह ब्रेड्स न लिखें, यानी यहाँ पर एस का इस्तेमाल न करें, क्योंकि रोटियों को हम ब्रेड कहते हैं न कि ब्रेड्स। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं दो चार दिन में लौट आऊंगा, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई शैल रिटर्न इन अ कपल ऑफ डेज। इन अ कपल ऑफ डेज मीन्स दो चार दिनों में। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब आपको कहना हो दो चार दिनों में, तो आप कहेंगे इन अ कपल ऑफ डेज। हम लोगों के पास दो चार किताबें हैं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी हैव अ कपल ऑफ बुक्स, यानी अ कपल ऑफ बुक्स मतलब दो चार किताबें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो दो चार दिन, तो आप कहेंगे अ कपल ऑफ डेज, दो चार रोटियां अ कपल ऑफ ब्रेड, दो चार लड़के अ कपल ऑफ बॉयज, दो चार दोस्त अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक से रिलेटेड दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।